800 बार ढकार, क्या किसी को दिन में 800 बार से ज्यादा ढकार आ सकती है? जी हाँ, तो हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दिन में 800 बार से ज्यादा ढकार आती थी, और वो समस्या के साथ साथ वात की जितनी भी बीमारियां आपको याद आती है, जैसे कि वजन कम होना, नींद ना आना, सपने बहुत आना, सपने में उड़ता हुआ अपने आप को देखना, बहुत ज्यादा रैपिडली वजन कम हो जाना, 20-20 किलो तक वजन कम हो जाना, डर बहुत लगना, शरीर का रंग काला हो जाना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां थी। तो उन सारी बीमारियों को आयुर्वेद से कैसे ठीक किया संजय जी ने, चलिए उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। क्या नाम है आपका? नाम है संजय जाधव। कहाँ से हैं आप? मतलब मैं पिंपरी चिंचोड़ से आता था आपके पास। पिंपरी चिंचोड़ पुणे, पुणे से। पुणे में रहता हाँ ना? हाँ ठीक। आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे 24 सितंबर 2020 में, तब आपने दवाइयाँ ली थी, बराबर। ठीक। तो उस टाइम पे जो आपकी तकलीफ थी उससे हम शुरू करते हैं कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स थी। तो आपका सबसे बड़ा तकलीफ था वजन कम होना, क्या होता था उसमें ये? मतलब अचानक से माझं वजन म्हणजे एक चलेगा तो आप सत्तर मराठी में बोलो। 70 किलोवर ना आपलं डायरेक्ट 50 किलो झालं होतं। 70 से 50 किलो। हां, मी एक 10-15 किलो वजन कम हो गया था कितने टाइम में? एक 6 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर मतलब पूरा वजन कम हो गया। 2-3 महीने में इतना जल्दी जी वजन कम हाँ हुआ? हाँ कुछ कारण पता चला था क्यों हुआ था? नहीं, कारण म्हणजे काहीच माहिती नव्हतं। त्याच्यानंतर मी आपलं रेगुलर डॉक्टर केले, तिथले जे आपले होते ते, मी आयुर्वेदिकचं कोणतं डॉक्टर नव्हते गेले, तिथून काही फरक पडला नाही मला। उनका क्या बोलना था, कुछ कारण? ते काही 8 दिवसाच्या गोळ्या देत होत्या, वहीन 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 नाही का असं म्हणून म्हणून बरेच दिवस झाले। 3-4 महिने तिथं ट्रीटमेंट केलं, त्याच्यानंतर तुमचा व्हिडिओ बघितला आणि बरेच व्हिडिओ बघितले आयुर्वेदिकमध्ये, आणि त्या व्हिडिओमध्ये मला काही असं वाटलं नाही की बाबा ते म्हणायचे गिलेव खा, हे वरच्या वर हे करा। मग त्याच्यानंतर तुमचा व्हिडिओ बघितल्यानंतर असं वाटलं की बाबा हे काहीतरी वेगळंच आहे, म्हणजे तुम्ही एकदम जे सूत्र सांगायचे त्याच्यामधले, वही हे असं म्हणजे वाग्भट किंवा अष्टांगहृदयमध्ये लिहिलं आहे, चरकसुरितमध्ये लिहिलं आहे, असे मी सर्च केले की बाबा असे काही ग्रंथ आहे का पहिले। त्याच्यानंतर यूट्यूबला बघितल्यानंतर असं लिहिलं आहे की बाबा पहिल्यांदा असे ग्रंथ लिहिलेले। मग त्याच्यानंतर मग मला असं खरं वाटलं की बाबा असं होऊ शकतं, मग थोडा त्याच्यामुळे आयुर्वेदिकमध्ये मला भरोसा वाढला, त्याच्यानंतर मी तुमच्याकडे आलो। फिर उस टाइम पे आपने एक तो वजन कम हो रहा था और दूसरा आपने प्रॉब्लम बोला था आपको ढकार बहुत आ रहा था, कितना ढकार आ रहा था? 500 च्या पुढे, म्हणजे असं म्हणजे ना असं वाटायचं की आपल्याला 500 बार से ज्यादा, म्हणजे असं वाटायचं कभी कभी वो 800 बार तक भी जाता था। हाँ ठीक। क्या होता था, आप कहीं दबाते थे ढकार आता था या कंटिन्यू आते रहते? असं म्हणजे दाबले नाही केलं, असं थोडं जास्त काम केलं किंवा नाही का असं थोडं हे ऍक्टिव्हिटी की, हां त्याच्यानंतर थोडं पण गॅस निघाल्यावर बाहेर। और आपको ठंडी बहुत लगती थी? हाँ ठंड। क्या होता था उसमें? असं AC चालू केली, फॅन चालू केलं, जास्त हवेत हिंडलं की मग जरा असं थंडी वाजल्या गत व्हायचं, और जोरों से आवाज भी आती, आवाज आते होते सब जॉइंट से या कोई एक जगह? काम करते नहीं असं हाथ भी तासी करी आवाज यायचा ना असं। तो आप देखिए, वात के जितने भी सिम्टम्स हैं वो मराठी में बोल रहे हैं कि वात की जितनी भी तकलीफ है, जोड़ों से आवाज आना, ठंडी लगना, वजन कम होना, डकार आना, ये सब होता था। एक और खास बात इनकी थी जो कि आयुर्वेद में वात प्रकृति वालों के लिए बोला गया है, वो है कि स्वप्न में हवा में उड़ते हुए उनको लगता जो था। आपके साथ ऐसा होता था? हाँ, क्या होता था? जो भेद नव्हती, स्वप्न पडत होते की असं काहीतरी उचलगत वाटते आपण, नाही का असं काही आपल्याला भूत प्रेत झालंय का काय, म्हणजे वाटत होत मला। और नींद मतलब कितने घंटे आप सोते थे? 1-2 तास तो पता असं 24 तास। क्या होता था अगर आप सोने का कोशिश करते थे तो? ते असं स्वप्न पडायचं, झोप येत नव्हती, असे काहीतरी प्रकार व्हायचे, जागत राहायचे नाही का। ये वात वालों के साथ एक तकलीफ बोली है निद्रा नाश, की नींद ही नहीं आएगी, वो आपके साथ होता था, है ना? फिर आपने बोला था कि गैस का आपको बहुत तकलीफ होता था, हाँ, उसमें क्या क्या होता था? गैस म्हणजे असं गॅस पासच होत नव्हतं, गॅस पास नाही होत, इकडे तिकडे हिंडल्यामुळे नंतर नंतर मग ते व्हायला लागलं असं। उनको गैस पास नहीं होता था और मल एकदम चिकना आता था, है ना? हाँ ठीक। और शरीर मध्ये ड्राइनेस आ रहा, स्किन आपकी एकदम ड्राई 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 ड्राई, तो क्या हुआ था उसमें? मतलब एकदम असं कडक झाली होती बॉडी वात के कारण, स्किन का चिकनापन सूख के कडक। फिर एक और थी, आपने बोला था पेट आपका साफ नहीं होता था, हाँ, और विचार बहुत आते थे, उसमें क्या होता था? बस कंटिन्यू विचारामध्ये ना डिप्रेशन मध्ये गेल्यासारखं वाटत होतं, म्हणजे असं होतं कंटिन्यू, म्हणजे झोप जे व्हायचे झोपमध्ये शांतता म्हणजे असं येत नव्हतं। और आपको भूख नहीं लगती थी? हाँ, आपको डर भी बहुत लगता था या? उसमें क्या होता था डर में? मतलब असं वॉक काहीतरी होईल काय नाही होईल, नाही म्हणजे झोप नसल्यामुळे असं एकदम हे वाटायचं, कुछ ऐसे मतलब जान चली जाएगी ऐसा कुछ होता था। हाँ, ठीक।
और उनको बार बार बुखार भी आता था और आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे दर्द हो रहा था। हाँ। ये वात की जब भी आपको बीमारी होगी, वात की कई बीमारियों में प्लीहा वृद्धि, प्लीहा मतलब स्प्लीन नाम का जो ऑर्गन होता है, राइट साइड में आपकी लीवर है, लेफ्ट साइड के उसके जस्ट अपोजिट में स्प्लीन, जिसको हिंदी में, संस्कृत में प्लीहा, हिंदी में तिल्ली बोलते हैं, वो बढ़ जाना एक बहुत तकलीफ होती है। ठीक, तो ये सारी की सारी उनको तकलीफ थी। पर उसके बाद फिर हमने उनको इलाज चालू किया। इलाज में उनको हमने पहले पाचन पे काम किया, शंखवटी, कल्याण घृत जैसी दवाइयाँ, एलादी, ईश्वर, रजनी योग, जटामांसी, ऐसी बहुत सारी उनको दवाइयाँ दी, कभी कभी पिपली, त्रिकटु, जैसे जैसे वात और कफ के सारे लक्षण उनके थे वैसे उनको दवाइयाँ दी, टॉनिक वॉनिक दिया। और उन्होंने कंटिन्यू लगभग 1-1.5 साल तक आपने पुणे से वो आते थे और 2-3 महीने की दवा एक बार में लिया। हाँ, पुणे से अकेले नहीं आ पाते थे, क्यों? डर लगता था इसलिए कि एक दो जन मेरे साथ ही आते थे, एक दो जन उनके साथ में आते थे, उनको इतना डर लगता था कि अकेले ट्रैवल मुश्किल। ट्रैवल, ठीक है। तो उनको हम कोई पंचकर्म नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे पास पंचकर्म की फैसिलिटी नहीं थी, केवल औषधि और डाइट से ही। डाइट में हमने उनको जितने भी चिकने आइटम है, बला सुगंध आदि से तेल मालिश के लिए बोला था, और वो नॉन वेजिटेरियन है तो उनको चिकन सूप, मटन सूप, अंडा, ये सब खाने के लिए बोला था। ठीक है, तो वो सब इलाज करने के बाद अभी आज कैसा कंडीशन है आपका? आता ये स्थिति, आता काही म्हणजे सगळे प्रॉब्लेम निघून गेलेले। आता काही अभी 100 में से अभी दिन भर में कितनी ढकार आती है? आता 80-90% फरक पडलेला आहे। 80-90% आराम आहे। और ये हड्डी से जो बहुत ज्यादा खटखट साउंड, सगळेच एकदम सगळेच व्यवस्थित क्लियर झालेले आहे, काही नाही। वजन कितना आहे? मी जो वजन आहे, वजन आता 20 किलो जर केवढं वजन होतं तेवढं वजन नाही झालेले। 20 किलो वजन बढ गया। हां, वाढले। उस टाइम पे वजन ना बढ़ना मेन प्रॉब्लम था, है ना? और ये मल में जो चिकनापन था वो कम हो गया। नींद अभी कैसी है? तो एकदम व्यवस्थित है। 8-9-10 तास झोपतो, काही व्यवस्थित है, काही विचार येत नाही, काही येत नाही। नींद अभी उनको मस्त आती है। और उनको जिम बहुत पसंद है, व्यायाम पसंद है। आपका खुद का जिम भी है जिम ना? तो अभी आप व्यायाम कर पाते हो? हाँ, व्यायाम भी हम सगले व्यवस्थित कर, व्यायाम में कोई भी उनको तकलीफ नहीं होती है। ठीक है। और ये लेफ्ट साइड में जो दुखना हुआ था वो कम हो गया? तो ये सब तकलीफ उनकी हमने आयुर्वेद से ठीक करके ली। और अभी बहुत टाइम के बाद वो आए हैं, मतलब गैप हुआ था, लास्ट जुलाई में आए थे, उसके बाद गैप हुआ उनका। तो अब उनको वो सारी तकलीफें नहीं है, अब हम उनको केवल शरीर की शुद्धि के लिए, क्योंकि वो और अच्छे से स्वस्थ रहे, विरेचन और बस्ती करेंगे, ऐसे ही हेल्दी रहने के लिए, किसी बीमारी के लिए नहीं, और वो अपना और लाइफ आगे एंजॉय कर पाएंगे। तो ये पावर है आयुर्वेद का। अगर किसी को वात बढ़ा है, आप भी प्रॉपर अगर टाइम देते हैं, तो कितनी ही बीमारी हो, चाहे वजन कम हो गया हो, नींद नहीं आती हो, विचार बहुत आते हो, गैस हो, वो सब का सब आयुर्वेद से ठीक होता है। तो संजय जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आयुर्वेद को लेके, क्या बोलना चाहोगे? मुझे पहले था आयुर्वेद को मैं विश्वास नव्हता, आयुर्वेद पर विश्वास नहीं था। हाँ, ये आपले परदेशी डॉक्टर, इंजेक्शन घ्या, गोळ्या घ्या, याच्यावर चांगला विश्वास होता मा। पण त्याच्यानंतर हे की आपल्या जुन्या लोकांनी जे काही लिहिलेलं आहे ते आयुर्वेदिक ग्रंथ लिहिलेत की तेच खरे। हे भारत देशामध्ये हिंदू संस्कृती सगळ्यात मोठी आहे आणि याच्यामध्ये जे काही ग्रंथ लिहिले ते खरे। हे लोकांनी जे परदेशी जे इंजेक्शन गोळ्या सलाईनला होत्यात हे सगळं हे आपल्या लोकांना सूट होणार नाही आहे, परदेशातच सूट होईल। आणि सगळ्या भारतीयांनी विनंती की आयुर्वेदाचे जे काही नियम आहे त्याचे पालन करा, लवकर उठा, लवकर झोपा, आहार चांगला घ्या, एवढंच। पर अभ्यंग से कैसे लगा आप? डेली मसाज करते थे? अंगामध्ये आराम भेटत होता, ते सगळं आराम, त्यांच्या आराम भेटला लागलेला। उनका बोलना है की आयुर्वेद पहले भरोसा नहीं था, बाद में उनको आयुर्वेद पे ट्रस्ट हुआ। उनका बोलना है की अपने देश की चिकित्सा पद्धति है, अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो कौन करेगा? और हम जितने अच्छे से आयुर्वेद के नियम, तेल मालिश, जो सुबह जल्दी उठना है, खान पान है, करेंगे तो अच्छा खासा आराम रहेगा। तो आप में से भी जिन लोगों को आमाशयगत वात की तकलीफ है, वो तकलीफ आप अच्छे से ठीक कर सकते हो। आपके यहाँ पे जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनको आप दिखा के, जो भी उसके हिसाब से पंचकर्म और जो औषधियां हैं वो आप लेके अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हो।